न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। जी हां, उत्तराखंड में महिला अपराध पर सियासत गर्मा गई है। आक्रोशित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल चौक देहरादून में सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना भी साधा है। एक बार फिर से देखा जाए तो उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। इस पूरे मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। प्रमुख मांग ये है कि जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जो रोज के रोज एक केस जो सामने आता है, आप देखिए, आप औरों की बात छोड़िए, लेकिन जो आपके अधीनस्थ हैं, जैसे कि आप नई निकेतन हल्द्वानी का मामला है, कितना क्रूर, वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए वो बच्चियां कहाँ जाएंगी। आज हम उन बच्चों की आवाज़ लेकर यहाँ पे आए हैं, एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के, दूसरा एक मूकबधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वहीं के उसी संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है। तो महिला अपराध पर सियासत गरमा गई है। ये पूरा मामला हल्द्वानी का बताया जा रहा है, बाल संरक्षण गृह में, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर रही है। बता दें कि आक्रोशित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल चौक देहरादून में सरकार का पुतला दहन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको ये भी बता दें कि हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह का ये पूरा मामला है, जहां पर नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। बताया जा रहा है कि वो मासूम मुकबधिर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता को भी आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार पर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि हल्द्वानी में बाल संरक्षण गृह में जिस तरह से एक मूकबधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसने उत्तराखंड की राजनीति को और ज्यादा गर्मा दिया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। महिला अपराध पर सियासत लगातार गर्मा गई है। आक्रोशित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। तस्वीरें आपके सामने, हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। आपको बता दें कि कार्रवाई के नाम पर यहां कुछ नहीं हुआ है। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार इसमें उच्च स्तरीय जांच नहीं करेगी तो फिर मासूम को इंसाफ कैसे मिलेगा। इससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला है उसको भी कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया था और सरकार को घेरा था। एक बार फिर से इस पूरे मामले में महिलाओं ने प्रदेश सरकार को घेर लिया है। कांग्रेसी महिला जो हैं वो लगातार हंगामा करती हुई नजर आ रही हैं, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। सरकार का पुतला भी दहन किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। हल्द्वानी का एक पूरा मामला है, बाल संरक्षण गृह में मुकबधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है और मासूम के लिए इंसाफ की मांग भी करती हुई नजर आ रही है। तो आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। हल्द्वानी का ये पूरा मामला, बाल संरक्षण गृह का, और जिसकी आँच जो है वो देहरादून तक नजर आ रही है। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, सरकार का पुतला दहन किया है, बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, इसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है, सरकार पर इसको ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें एसले हॉल चौक देहरादून की है, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन
जारी रहा। आक्रोशित महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और मासूम के लिए इंसाफ की मांग की है। तो बाल संरक्षण गृह में ये मासूम थी और मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही है। जांच में क्या कुछ सामने आएगा इसका इंतजार है, लेकिन कांग्रेस इस पे उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कुछ वीआईपी के नाम को लेकर लगातार आवाज़ उठती रही। सरकार कहती रही कि जांच हो रही है, दोषी जो है उन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और आखिरकार अब इस पूरे मामले पर इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं। तो हल्द्वानी का ये पूरा मामला है, बाल संरक्षण गृह में मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवीर चौहान साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। लक्ष्मी अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और कुछ ही देर में प्रकाश थपलियाल जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सत्यवीर चौहान साहब, महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप हर बार ये आश्वासन देते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर आप एक्शन लेंगे। हल्द्वानी में बाल संरक्षण गृह में एक मुकबधिर मासूम के साथ ये हवानियत हो जाती है और सरकार चुप है। काजोल जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर भी शासन करती है महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही सचेत होकर काम करती है और कभी भी किसी अपराध के प्रति हमने उसका कहीं भी साथ नहीं दिया, चाहे कहीं भी हमारी प्रदेश में सरकार है चाहे केंद्र में सरकार रही हो। हमने कभी भी इस प्रकार के बयान भी नहीं दिए कि जिससे कि महिलाओं का मानसिक शोषण हो, उन पे अत्याचार जो हुए हैं उसका किसी प्रकार से कहीं से प्रेशराइज किया जाए। आपने देखा होगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसे अभी ताजा ताजा सरकार दो राज्यों में कांग्रेस की गई, चाहे राजस्थान की सरकार गई हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार गई हो। राजस्थान के तो पटल मंत्री थे राजेंद्र गुड़ा, मंत्री थे सरकार में, गहलोत सरकार में राजेंद्र गुड़ा जी, जब उन्होंने कहा कि महिला अत्याचारों पे जब एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसमें राजस्थान नंबर वन पर आता है, तो उन्होंने जब गहलोत जी अपना बयान दे रहे थे विधानसभा के पटल पर, तो उन्होंने कहा कि दूसरों का घर ना देखे अपना घर देखे कि राजस्थान के अंदर नंबर वन बन चुका है महिला अपराधों में। तो आप देख लीजिए, अगले दिन ही उनको वहां से पार्टी मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है, फिर पार्टी से निकाला जाता है। कितने संवेदनशील है वो आप इससे ही दिखता है। यही नहीं, अभी इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में चल रही है, कर्नाटक में देख लीजिए आप किस प्रकार से आप तो संवेदनशील है ना, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप तो संवेदनशील है ना। आप कर्नाटक छोड़ दीजिए, राजस्थान छोड़ दीजिए, उस पर आपने बहुत बहुत आवाज उठाई है। आज मैं उत्तराखंड के लिए पूछ रही हूँ, आप उत्तराखंड के लिए बताइए सर। मैं काजोल जी इनसे आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ ना, कांग्रेस ने उन राज्यों में इन्होंने क्या किया, कहीं वहां पर उन्होंने अपराधियों का साथ देने का काम किया? हमने तो जितने अपराधी होते हैं उसको कभी भी संरक्षण देने का काम नहीं किया, हमने तो उसको जेल की सलाह के ऊपर पहुंचे पीछे पहुंचाने का काम किया। कोर्ट तक ये तक कहा है हमने कि आपको जो हमारी आवश्यकता होगी, कानून के दायरे में रहते हुए जो हमारी आवश्यकता होगी, सरकार कदम से कदम मिला के खड़ी है। आप बता दीजिए एक भी इस तरीके का उदाहरण कहीं कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिला हो। बगल से लगता हुआ हिमाचल राज्य है, सुक्खू जी वहां के मुख्यमंत्री जी है, वहां पर देख लीजिए कि एक महिला जब भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करती है, विरोध करती है, एक महीने तक लगातार करती है, उसके बाद तो उनकी उनके मुख्यमंत्री की आंखें खुलती है कि इस प्रकार का कोई अपराध हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये तक पता नहीं था कि इस प्रकार का हुआ, जघन्य अपराध हुआ। वही उससे पहले जब इनकी जब सरकार थी हमारे से पांच साल पहले जब गुड़िया कांड होता, सत्यवीर जी नहीं, हमने आज की बात करिए, कम करने के लिए लगातार काम किया। और यही नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हमारी सरकार ने जब जब केंद्र में आई हो चाहे राज्य में आई हो,
उनके सुरक्षा के लिए, उनके मानसिक स्थिति के लिए, उनकी भावनात्मक लगाव के लिए हमने तमाम स्कीमें लागू की है, चाहे केंद्र में हमारी सरकार रही हो, 27 स्कीमें हमने वहां पे लागू की है। उत्तराखंड के अंदर हमने कई ऐसी योजनाएं लागू की है, चाहे 108 योजना हमारे समय पे आई, जिससे कि जच्चा बच्चा का योजनाओं के बारे में नहीं पूछ रहे सत्यवीर जी, सीएम आचल योजना। सत्यवीर जी, आपकी सरकार ने क्या काम किए है क्या नहीं किए वो मैं जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसके साथ खत्म कर रहा हूँ, मैं इसके साथ कदम कर देना चाहता हूँ। एक बड़ा वर्ग था इस देश के अंदर जो इतने वर्षों से कह रहा था कि हमें जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं थी, लगातार आपने तो देखा ही है, वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर राजीव गांधी ने, जब इस देश के अंदर सबसे सशक्त सरकार थी राजीव गांधी की, 409 का आंकड़ा उनके पास था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया खुशबुआनियों के चक्कर में, कि वो शाहबानों के केस में आप देख लीजिए, एक तरफ होता है कि 33% जो आरक्षण बिल कई सालों से लटका होता है उसको हमने बहाल किया संसद के अंदर, और एक तरफ होता है कि उसको किस प्रकार से उसमें रोड़े अटका जाए, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला जाए। आप ये आप देख सकते हो कि हम किस प्रकार से उनके साथ खड़े हैं और ये किस प्रकार से अपराधियों के साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, वो तो देखेंगे कितना इंसाफ मिलेगा मासूम को। लक्ष्मी अग्रवाल जी मेरे साथ बनी हुई प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। लक्ष्मी अग्रवाल जी, एक मासूम के साथ, मुकबधिर मासूम है, बाल संरक्षण गृह में रहती थी, उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, आप हो हल्ला कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको अपने राज्यों में भी जहां पर आपकी सरकार थी वहां पर देख लेना चाहिए था, क्योंकि और इन्हीं वजह से आपकी सत्ता चली गई। काजोल जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जब आपने आवाज ही कोई है अभी, हाँ, सत्यवीर जी बात कर रहे थे देश की, प्रदेश की कोर्ट, हाँ, तो वो मुद्दे पर नहीं बोले ना, योजनाओं की वो मुद्दे पर बोले ही नहीं, मैं वो मुद्दे पे तो उन्हें बताइए कि मुद्दा आज महिलाओं की सुरक्षा को लेके, महिलाओं की योजनाओं को लेके नहीं, उनको शायद समझ नहीं आ रहा है। ये जहां तक बात है महिला की सुरक्षा की, ये पूरा देश जानता है, ये प्रदेश जानता है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी कितनी असंवेदनशील है महिलाओं को लेके। आप अंकिता भंडारी हत्याकांड, आप अभी तक उस वीआईपी का नाम नहीं आप बता पाए, किसकी किस महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं? आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि केंद्र में हमारी सरकार महिला पहलवान पोक्सो एक्ट के तहत जिस सांसद पे मुकदमा दर्ज है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं आप हो कर पाए, आपकी भाजपा सरकार उससे आगे नतमस्तक है। आपके प्रदेश, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप यूपी की बात कीजिए ना, आप जहां महिला जज सीजीआई को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांग रही है, जिस प्रदेश में, जिस देश में महिला जज सुरक्षित नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां आम महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। किस मुंह से ये लोग महिला शक्ति की बात करते हैं? आप बताइए, विनीता भंडारी 13 दिन बाद किसी महिला का शव जो है वो जलावा मिलता है, विनीता भंडारी हत्याकांड यहाँ पे होता है, आप मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सुसाइड करती है उसको रफा दफा कर दिया जाता है, उत्तरकाशी में अमृत रावत की उसको रफा दफा कर दिया जाता है, मंत्री की नाक के नीचे एक महिला की हत्या कर दी जाती है, और सब गहरी नींद कुंकरण की नींद सोए होते हैं। आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए। आर्य सत्यवीर जी बोले दीजिए ना लक्ष्मी अग्रवाल जी को। विधायक से लेके, संगठन से लेके तमाम नेता महिला दुराचार में लिपटवाए जाते हैं, पार्टी अध्यक्ष कार्रवाई करती है, उनको किस मुंह से आप जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कद्दावर नेता ये कहे कि धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ और सरस्वती चाहिए वो चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, आप समझ सकते हैं कि मानसिकता महिलाओं को लेकर क्या है? तो बिल्कुल इन लोगों को, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को बिल्कुल इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। ठीक है, वापस लौटेंगे लक्ष्मी अग्रवाल जी। प्रकाश थपलियाल जी, अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी से मैंने सवाल किया लेकिन सुरक्षा पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, योजनाओं को गिना दिया, बहुत अच्छी बात है आप योजनाएं दे रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां बात सुरक्षा की हो रही है, अगर आप एक उंगली दूसरे पर उठा रहे हैं तो चार आपकी तरफ भी आ रही है। प्रकाश थपलियाल जी, कांग्रेस आज हो हल्ला कर रही है लेकिन कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है, राजस्थान को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर, तो बात यहाँ महिला सुरक्षा की है, यह बात ये नहीं हो रही कि किसकी सरकार है किसकी नहीं है, बात यहाँ महिला सुरक्षा की है। हल्द्वानी में एक मासूम के साथ जो कि बोल नहीं सकती है, उस मासूम के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाता है, इतना बड़ा घटना घट जाती है और अभी भी यहाँ पर सिर्फ योजनाएं गिनाने की बात हो रही है। देखिए मैडम, आज की राजनीति अपने दामन को कितना भी साफ करने की कोशिश करे लेकिन हर कोई इसमें लिप्त है और इसका जिम्मेदार भी है।
उसका कारण मैं बताऊंगा कि राज्य जब इसके लिए संघर्ष किया तो मातृशक्ति ने बड़े बढ़ चढ़ कर संघर्ष के बूते ये राज्य लिया। रामपुर त्रह कांड हम सब ने देखा, रामपुर त्रह कांड के दोषियों को आज दिन तक सजा नहीं मिली और जो लोग दो डबल त्रिवल सरकार की बात करते हैं कि यहाँ भी यूपी में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, राज्य में भी भाजपा, लेकिन रामपुर त्रह कांड के दोषियों को आज दिन तक सजा न मिल पाना अपने आप में राजनीति को कटघरे में खड़ा करती है। जब राज्य बना, एक बेटी आसाम से आई जैनी नाम की, और उस जैनी नाम के साथ क्या हुआ था सबने देखा, किस तरह से वही नेता कांग्रेस में होकर फिर भाजपा में छलांग मारते हुए बड़े नेता के रूप में मंत्री पदों पे आसीन रहा हमने देखा। हमने देखा कि हकीकता हत्याकांड के जो जिन जिन पे उंगलियां उठ रही हैं, जिस महिला विधायिका पे उंगली उठ रही है, जिस जो आदमी प्रोटेक्ट कर रहा है बड़ा मंत्री की नहीं साहब कोई वीआईपी कम नहीं था, वीआईपी कमरा था, और वही मंत्री आपने देखा होगा बेड डोर से किस तरह से भर्तियां करता है, और तमाम जो अपराधी हैं, जो पटवारी वहां उसमें लिप्त था अंकिता हत्याकांड में, जिस पटवारी के एरिया में वो आता था वो पटवारी फिर से रिस्टेट हो जाता है। हम क्या सोचे मैडम, और अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन अंकिता हत्याकांड का अपराधी पुलकित आर्यक अभी जमानत के दहलीज पे पहुंच चुका है। तो इन तमाम सवालों का जवाब अगर हम मांगे तो किससे मांगे, मतलब क्योंकि उत्तराखंड अब की राजनीति केवल दिल्ली से गाइडेड राजनीति हो चुकी है और दिल्ली की तरफ हमारे नेताओं का वो है और जनता की तरफ पीठ है। तो इस तरह से राज्य अनाथ है और राज्य अनाथ राज्य में कहीं महिलाओं को जो बेचारी घास काटते हुए मतलब बाघ जंगली जानवर खा जा रहे हैं, सुरक्षा हमारी कहीं नहीं है, और उससे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर्विस सेक्टर वाला वो भी इस पहाड़ को थाईलैंड बनाएगा मैडम, थाईलैंड बनाएगा। वैसे भी अगर सच में पूछो, अगर लक्ष्मी जी यहाँ पे बैठी हुई है और हमारे प्रवक्ता यहाँ पे बैठे चौहान साहब, वे अगर देखे देहरादून को, देहरादून खत्म है मैडम, देहरादून पूरा मतलब व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, कोई सुरक्षित नहीं है मैडम, कोई सुरक्षित। ठीक है, वापस लौटेंगे प्रकाश थपलियाल जी। सत्यवीर चौहान साहब, लक्ष्मी जी ने बहुत सारी बातें उठाई हैं और बिल्कुल मैं भी चाहूंगी कि आप जवाब दें उन सब बातों का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे वो उत्तराखंड की बात हो। काजोल जी, मैं आपको बता दूं, हमारे हम जब जब सरकार में रहे हैं, चाहे सरकार की योजनाओं से उनको मजबूत करना हो, चाहे उनको राजनीतिक दृष्टि से मजबूत करना हो, चाहे उनको सरकारी नौकरियों में उनको मजबूत करना हो, हमें इतने वर्ष स्वतंत्र होके हो गए मगर परमानेंट कमीशन कहीं भी हमारी बालिकाओं का सेना में नहीं था, उसको भी हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि वो कितने संवेदनशील थे कि किस प्रकार से सेना में उनको। सत्यवीर जी एक मिनट माफी चाहूंगी आपसे। सत्यवीर जी नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप नहीं, आप योजनाएं मत गिराइए सर, मैं जानती हूँ आपने प्रदेश में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, महिलाओं को महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार काम नहीं कर रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, लेकिन बात यहाँ महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है उसकी हो रही है। सर आप पॉइंट पर बात करें ना सीधे। मैंने आपको पहले ही काजोल जी बता दिया था, हमने किसी भी अपराधी का कभी संरक्षण नहीं किया, उसको हमने प्रोटेक्शन देने का काम नहीं किया, ना उसके पक्ष में हम कभी कोर्ट के अंदर खड़े नहीं हुए। अगर आपको उदाहरण सुनने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कब कब कांग्रेस कोर्ट के अंदर खड़ी हुई, राजस्थान में 1990-1991 के बीच में देख लीजिए। सुन लीजिए, लक्ष्मी सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए फिर मैं आपके पास। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूँ, मैं कोई नहीं बता रहा हूँ, जो जो जनता के सामने है कोर्ट के अंदर है वही चीजें बता रहा हूँ, आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। 1990-1991 में इस देश की सबसे बड़ी घटनाएं होती है, 16 साल से लेकर 18 साल की बच्चियां, कम से कम 1000 बच्चियां थी जिनके साथ इस प्रकार का दुराचार और व्यवहार किया गया।
आज तक उसमें ये बता दीजिए जो कांग्रेस के जो लोग संलिप्त थे उसमें कांग्रेस के युवा मोर्चा के जो लोक युवा मोर्चा का अध्यक्ष था आप बता दीजिए कि उसके पक्ष में क्यों ये कोर्ट के अंदर खड़े हो गए। यही नहीं दिल्ली में आ जाइए जो इतनी सशक्त महिला खुद महिला मुख्यमंत्री थी तीन तीन बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वो तंदूर कांड होता है वो जैनी कांड होता है आप देख लीजिए कौन उसके पक्ष में कौन खड़ा था शीला दीक्षित खुद कोर्ट के अंदर उस केस में गई थी। अब बताते हैं कि महिलाओं के साथ हम कैसे खड़े हुए हैं मतलब जिसके साथ अत्याचार हुआ जिसको तंदूर में जलाया गया उसको किस प्रकार से इन्होंने उसको और जेल के कोर्ट के अंदर बोला कि इसको इसकी सजा माफ की जाए। और आज देख लीजिए मैं आपको भी बताना चाहता हूं अंकिता भंडारी केस में जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस गति से काम किया वो सराहनीय काम है कि एक एक अपराधी को जेल के पहुंचाने पीछे काम किया। और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि सरकार की तरफ से कोर्ट को जो भी आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं के लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं और सारे अपराधी 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर है। और जहां तक कोर्ट की कार्रवाई की बात रही है हम कभी भी कोर्ट की कार्रवाई में बाधा नहीं डालते। आप कांग्रेस का उस प्रकार का आचरण रहा है कि कोर्ट की कार्रवाई किस प्रकार से आप उसमें अड़ंगे डालने वो सबने देखा है कि इमरजेंसी भी कैसे लगी वो भी सभी ने देखा कि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की स्वर्गीय इंदिरा गांधी लक्ष्मी अग्रवाल बोलने दीजिए ना वापस लौटेंगे फिर आपके पास। अरे ठीक है ठीक है वो कांग्रेस का कार्यकाल था ना और 1990 में सुन लीजिए सत्यवीर जी कांग्रेस को तो हमेशा से कोसते आ रहे हैं ना 10 सालों से कांग्रेस को तो कोसते आ रहे हैं 10 सालों से। आप तो वादा और दावा करते हैं ना आप वादा और दावा करते हैं आप बताइए ना कि आपकी सरकार में क्यों ऐसा हो रहा है। कांग्रेस को तो आप हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं कांग्रेस को तो हमने देख लिया तभी तो जनता ने खदेड़ दिया ना कांग्रेस को 10 साल से आप है ना सत्ता में तो अब आप पर सवाल बनता है सर कांग्रेस को छोड़ दीजिए जो हुआ वो इतिहास हो गया है। आज की बात करिए आप वर्तमान की आज आप क्या कर रहे हैं महिलाओं को लेकर आप वादा दावा करते हैं कि उत्तराखंड में किसी भी महिला को 1 करोड़ तक नहीं आएगी करते हैं वादा। मैं काजोल जी आपको स्पष्ट रूप से बता दूं उत्तराखंड में महिलाओं के लिए जिस प्रकार से काम हो रहा है चाहे हमने उत्तराखंड में अगर सरकार की बात कर रहे हैं आप काजोल जी तो विधानसभा की अध्यक्ष भी पहली बार हमारे द्वारा दी गई है वो भी इनके पक्षपाचन नहीं होती है जैसे वो नेतृत्व कर रही है और जैसे वो सैनिक की पुत्री विधानसभा के अंदर बैठी है कांग्रेस को इतने मरोड़े आते हैं कि वो कैसे एक महिला को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया कैसे वो ठीक है हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं ये कर्नाटक पर पहुंच रहे हैं और पता नहीं कहां कहां पहुंच रहे हैं सत्यवीर जी एग्जैक्ट पॉइंट पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं ठीक है वापस लौट बिल्कुल सही बात है कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो आप राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं तो राजस्थान की महिलाएं क्या अलग है सुन लीजिए सर ऐसे नहीं होता ना अपराध होता है उसकी रिपोर्टिंग होती है। मैंने कब कहा कि रिपोर्टिंग नहीं होती लेकिन आप मुद्दे को ऐसे इधर उधर मत करिए ना आप पॉइंट पर बात करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने उदाहरण बताया उनकी कार्यशैली पर कैसे कोर्ट के अंदर संरक्षण करते हैं बस। चलिए ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी काजोल जी महिलाएं महिलाएं होती है ना सत्यवीर जी ये बताइए जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो आपकी किस महिला नेता ने उस बहन के लिए न्याय की मांग की एक एक महिला आपकी महिला मोर्चा कहां है किस एक भी महिला को बताइए और जिस एक महिला ने मेरी बहन ने यह साहस किया था उसको आपने बाहर का रास्ता दिखाया उसको उस पार्टी से बाहर का रास्ता आपने दिखाया ये आपका दोहरा चरित्र है। आपकी आपके आपके सरकार में जब मुख्यमंत्री थे तो वहां एक महिला टीचर अपनी जब दुखड़ा लेके जाती है पीड़ा लेके जाती है तो उस तरह से मुख्यमंत्री कैसा व्यवहार उसके साथ करते हैं कैसे उसको जलील करते हैं कैसे अपशब्द उसके खिलाफ बोलते हैं तब आप उस पर कुछ नहीं बोलते आप बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो आपको गिना दिए उत्तरकाशी की अमृता रावत का कांड आपको गिना दिया जिसको आपने रफा दफा कर दिया है तमाम 13 दिन बाद एक महिला की जलील लाश मिलती है कि इस प्रदेश में चल क्या रहा है आपके मंत्री आवास के ये मंत्री आवास के बिल्कुल नाक के नीचे एक महिला का हत्या कर दी जाती है लेकिन उस पर कोई
कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं। आप बताइए ना वो जांच कहां पे पहुंची, उस वीआईपी का नाम भी बता दीजिए लगे हाथ, क्योंकि उसका सब लोग तो जानते हैं, आप उसका बताइए ना नाम कौन है वो वीआईपी, इसे पूरा देश या प्रदेश जानना चाहता है। आप महिला महिला की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप जो कहते हैं और करते हैं उसमें बहुत अंतर है। आप तमाम उदाहरण गिना रहे हैं अन्य प्रदेशों के, आप अपने प्रदेश की बात कीजिए, यहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। अभी एक निवर्तमान पार्षद महिला इन्हीं की पार्टी की, वो अपने लिए कार्रवाई की मांग कर रही है, 3 दिन से थाने के चक्कर काट रही है, उसे तो न्याय नहीं मिल पा रहा है जो आपकी पार्टी की है। आम एक आम महिला को न्याय मिल पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है सरकार में, ठीक है ना? आपको सरकार चलानी आती है ना आपकी नीयत है, आपके स्वयं कांग्रेस में घूमते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताइए ना। आप 1990 की बात गिना रहे हैं, आप 1957 की भी गिना दीजिए, फिर लक्ष्मी अग्रवाल जी, अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को उठा रही है तो बहुत बेहतर कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर टिके रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है प्रकाश थपलियाल जी, लक्ष्मी अग्रवाल महिलाओं के लिए नहीं दे पाए, वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सत्यवीर जी आपने बहुत कोसा गलत हुआ तभी तो सत्ता से बेदखल हुई ना कांग्रेस। कोर्ट के अंदर खड़े मुख्यमंत्री, आप चलिए ठीक है वापस लौटूंगी, आप सुन लीजिए, और लोगों को भी सुन लीजिए, और लोगों को भी सुन लीजिए। ठीक है दोनों ही सरकारों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बस बात ये है महिलाएं सुरक्षित दोनों ही सरकारों में नहीं है। हाँ बस की बात कर रहे थे, हरीश रावत की पैर वाली फोटो भूल गए जो महिला पैर पकड़ रही थी। ठीक है सत्यवीर जी वापस, आप मुद्दों पर बात करिए, सुरक्षा पर बात करिए, दूसरे के काले चिट्ठे मत गिनाइए। चलिए ठीक है प्रकाश थपलियाल जी, यही काम है, एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, कोई 1990 की बात कर रहा है, कोई 2014 से बात की बात कर रहा है, लेकिन बात यहाँ महिला सुरक्षा की है, पॉइंट पर कोई बात नहीं कर रहे कि आप करेंगे क्या महिला सुरक्षा को लेकर। 70 सालों का गाना बीजेपी गा रही है, 10 साल से बीजेपी है, तो अब तो बीजेपी से सवाल होगा ना, बीजेपी क्या कर रही है महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या जहां जहां बीजेपी, मध्य प्रदेश की, सुनिए मेरी बात सत्यवीर जी, एक महिला के साथ रेप हो जाना, एक महिला की हत्या कर देना 3 तलाक का मामला नहीं है, सुन लीजिए पहले, 3 तलाक की बात अलग होती है। अपनी बात रखेगी, 3 तलाक के कानून आप बताइए, किसी को अगर 3 तलाक बोल बोल के भगा दिया घर से, उसके सारे दरवाजे बंद। सत्यवीर जी ये सारी बातें अलग हो जाती है, यहाँ बात आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं, आप तो यही महिला की बात नहीं सुन रहे हैं, आप तो यहीं पर बात नहीं सुन रहे हैं। बात तथ्य बता रहा हूँ, तथ्य मुझे पता है, महिला कार्ड नहीं खेल रही हूँ मैं, आप महिलाओं को पहले समझने की कोशिश करिए ना। तो आप समझिए, 3 तलाक की बात कहाँ से आ गई, 3 तलाक की बात कहाँ से आ गई बीच में, 3 तलाक आप ये बताइए कोर्ट में कितने सारे केस ऐसे लंबित थे जिनका, आप मेरी बात सुनेंगे, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं सत्यवीर चौहान साहब, बात 3 तलाक की नहीं हो रही है। उसके लिए तय किया गया, ऐसे तो महिला आरक्षण बिल भी आया है, 3 तलाक भी आया है, महिलाओं को लेकर आप योजना भी लेकर आए हैं, उज्ज्वला योजना भी लेकर आए हैं, बहुत सारी योजना है, लाडली बहन योजना है, ऐसे योजनाएं बहुत सारी है, सब कौन मना कर रहा है सत्यवीर चौहान साहब, मना कौन कर रहा है इन योजनाओं से, इन बिल को मना कौन कर रहा है, मजबूत होगी उनका जिनको आप सुरक्षा मिलेगी, अरे महिला सुरक्षित रहेंगी तभी तो मजबूत बनेंगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, महिला सुरक्षित रहेंगी तभी तो मजबूत बन पाएगी ना, आपने एक शब्द नहीं बोला हल्द्वानी के मामले पर, मैं तो वही सुनने के लिए आपसे बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने स्पष्ट कहा, उसकी रिपोर्टिंग हुई, अपराधी पकड़े गए, उनको और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून कार्रवाई होगी, ठीक है तो बोला नहीं कार्रवाई होगी,
अच्छा सरकार का काम क्या होता है? अपराधी को पकड़े, जेल के पीछे पहुंचा, ठीक है, कार्रवाई होगी, आपने बोल दिया, ठीक है। सत्यवीर चौहान साहब, नहीं ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। आप ये कहिए ना कि हम पूरी तरीके से उत्तराखंड में महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, ये होता है किसी को ढांढस बनाना, ये बोलिए ना। मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस के समय का डेटा उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के समय का डेटा मैं जानती हूं, समय नहीं हुआ है, और हमारे समय का डेटा उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हल्द्वानी में, जब आप हल्द्वानी की बात कर रहे हो, हल्द्वानी में एक गुड़िया करके कांड हुआ था, आप बता दीजिए कि रिचनावत जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन अपराधियों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? चौहान साहब मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितना विरोध, चौहान साहब एक मिनट शांति से आप मेरी बात सुनेंगे, शांति से मेरी बात सुनेंगे। कांग्रेस ने जो किया, जो करा, क्या हुआ, आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं ना, तीन राज्यों में भी अभी क्या हुआ है ये भी आप जानते हैं बेहतर तरीके से, जवाब दे दिया ना जनता ने, इस बात को समझिए तो थोड़ा सा। प्रकाश तापलियाल जी, जी यही दुखद बात है कि हमारे नेता इन गंभीर मुद्दों पे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, इसमें बहुत दुख होता है, और कभी कभी डिबेट में भाग लेने में बड़ा दुख होता है कि भाग लेने का मतलब ही नहीं रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं से पूछा, वो बोले खुद ही हम दूर हो चुके हैं, अब इस लड़ाई झगड़े से कौन फेस करेगा, मतलब तू मैं के अलावा। अगर सुरक्षा का, मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता का विश्वास उठ चुका है, लेकिन अब जो सरकार है हमारी वो मोदी जी के गारंटी पे चल रही है, और हमारा मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी खुद पहलवानों को न्याय दिलाने में फेल हो गए, जब प्रधानमंत्री जी का एक अलग ही तरीका है, जब मणिपुर हम जलता हुआ देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है मैडम जब उत्तराखंड का पहाड़ भी ऐसे ही जलेगा जैसे मणिपुर जल रहा है, और हम विवश रहेंगे, विवश। इस राजनीति ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है, उत्तराखंड के लोगों को, और जो लोग ये नहीं बता पा रहे आज दिन तक, ये तो बद्रीनाथ केदारनाथ से भी डर रहे कि मैं उस दिन भी आती कौन था, केवल सवाल आज पूरा पहाड़ पूछ रहा है। सत्यवीर जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा इस पॉइंट पर, बहुत जल्दी से, आपने हाथ उठाया बहुत जल्दी से। जिनका कल्चर ही बी आई पी, लक्ष्मी जी जुबान पे बी आई पी ही रहेगा काजोल जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन भी इंडियन नेवल शिप से लेके हवाई जहाजों में मनाए हो, और उनके उनके सहयोगी ऐसी पार्टियां रही हो, तो वो तो इस प्रकार के जिनका वी आई पी कल्चर रहा हो, हम तो धरती पे रह के काम करने वाले लोग हैं, तो वी आई पी का केवल इतना ही उत्तर है, इन्होंने हमेशा वी आई पी कल्चर को धारण किया हो, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो वी आई पी की बात करेंगे। चलिए ठीक है, वापस लौटेंगे। एक आखिरी कमेंट लक्ष्मी अग्रवाल जी। काजोल जी, अभी सत्यवीर जी वीआईपी की बात कर रहे हैं, पर उनको ये बता दूं कि उनके नेता भी वीआईपी 8,000 करोड़ के जहाजों में घूमते हैं, वो भी वीआईपी है। जहां तक बात कही, ये 3 महीने में जो हल्द्वानी में 3 प्रमुख घटनाएं घटित हुई है, ये इस बात का इशारा है कि सरकार, जब 55 कैदी आपको एचआईवी पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद 113 बच्चों से जिस तरह दुष्कर्म हो रहा, और आज इस बधिर बच्ची से, इससे अगर सबक नहीं लेती, अगर सरकार पहली घटना से ही सबक ले लेती, तो हम इन दोनों इंतजार करते हैं। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, आप लोग अपने अपने चिट्ठे खोल कर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हल्द्वानी की हो रही थी, हल्द्वानी में जिस तरह से एक मासूम के साथ बलात्कार हुआ, उसके इंसाफ को लेकर कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए, लेकिन सवाल यह है कि जनता ने दोनों ही पार्टियों का कार्यकाल देखा है, अब जनता जनार्दन है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वोट की चोट से ही सबक सिखाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।